हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल रेसिडेंशियल स्टेटस इस चैप्टर की सीरीज चल रही है ऑलरेडी इस चैप्टर के बेसिक्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको आई बटन पे मिल जाएगा इस वीडियो में हम लोग कुछ नया करने वाले तो चलिए शुरू करते हैं तो ये नया एग्जाम्पल है इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल करवाया था जिसमें एक इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़कर लीव करके बाहर जा रहा था तो हम लोग उसका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करते थे बट इस एग्जाम्पल में कुछ अलग होने वाला है अब इंडिया छोड़कर नहीं जा रहे इंडिया में आ रहे देखिए इस एग्जाम्पल को रीड करते एग्जाम्पल में क्या बोला है मिस्टर रेहान हु इज़ एन इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया ऑन ट्वेंटी ऑफ डिसम्बर 2019 थाउजेंड नाइनटीन फॉर अ विजिट डिटर्माइन हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टू थाउजेंड नाइनटीन एंड असैसमेंट ईयर नाइनटीन Uh, 2021 अब इससे हम लोग को क्या करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ़ डेज करना है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज क्यों करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं इस वीडियो में डायरेक्टली हम लोग नंबर ऑफ डेज निकालते हैं कहां से शुरू होता था हमारा ये टाइम लाइन फर्स्ट एप्रिल से खत्म हो जाता था थर्टी मार्च को ये जो हम लोग लाइन खींचते थे या प्रीवियस सर्कल एक बनाते थे ताकि नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर सके करेक्ट ओके यहां लिख देते हैं नाइनटीन यहां पर लिख देते हैं ट्वेंटी अब करना क्या है वो आया है इंडिया में 28 दिसंबर को 28 दिसंबर मतलब 28 12 राइट right? मतलब वो आया है इसका मतलब इससे पहले तो वो इंडिया में था ही नहीं तो मतलब ये जो पोर्शन है इसमें वो इंडिया में नहीं था तो इसको नहीं कैलकुलेट करना है डायरेक्टली हमारा डेज वो कब से इंडिया में आया ट्वेंटी को आया तो दिसंबर को इंडिया में था जनवरी को था फेबर को था मार्च को था तो so, एक दो तीन चार चार महीने वो इंडिया में था 31 मार्च के बाद भी अगर वो इंडिया में रहा होगा तो वो अगला फाइनेंशियल ईयर में चला जा जाता है इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं हम लोग 31 मार्च पे क्यों रुक गए बिकॉज उस उस दिन हमारा साल खत्म हो जाता है 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है तो हम लोग को कैलकुलेशन सिर्फ थर्टी मार्च दो तक ही करना है ठीक है ओके अब डेज कैसे कैलकुलेट करें दिसंबर के कितने दिन ट्वेंटी को आया ट्वेंटी थर्टी थर्टी वन दिसंबर में इकतीस दिन होते हैं राइट तो ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन चार दिन होते हैं। लेकिन मुझे बताओ अगर पच्चीस दिन होते बीस दिन होते बारह दिन होते तो क्या हम लोग ऐसा कैलकुलेट करते बैठेंगे नहीं देखो इसके लिए मैंने एक फॉर्मला बनाया ये फॉर्मुला में करना क्या है पहले तो आपको ये सोचना है ये फॉर्मला सिर्फ तब लगाना है जब कम्स होगा लीव्स में नहीं ठीक है ओके दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं थर्टी वन तो ले लो थर्टी वन आया कभी वो माइनस कर दो ट्वेंटी एट को आया लेकिन ट्वेंटी एट मत लेना अगर देखो ट्वेंटी एट लेता ना कैलसी में करके देखते हैं थर्टी वन माइनस ट्वेंटी एट तीन जबकि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आ रहा है चार ऐसा क्यों हो रहा है बिकॉज जिस दिन वो आया ना हम लोग उस दिन को भी माइनस कर रहे हैं जिस दिन वो आता है वो कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे ट्वेंटी एट को आया ना तो हम लोग कितना लेंगे ट्वेंटी सेवन अब जरा कैलकुलेट करके देखते हैं हम लोग थर्टी वन माइनस ट्वेंटी सेवन कितना आ रहा है चार दिन आ गया हमारा आंसर आ गया इसका मतलब अगर सपोज यहाँ अट्ठाईस के बजाय पच्चीस अप्रैल होता तो हम लोग क्या करते हैं डेज कैलकुलेट करने के टाइम पे ना पच्चीस है तो हम लोग चौबीस ले लेते हैं तेईस है तो बाईस लेते एक दिन कम कर देंगे ये सिर्फ कब करना है कम्स में करना है सिर्फ और सिर्फ कम्स में ठीक है ओके बाकियों में तो कोई टेंशन नहीं है जनवरी में कितने दिन होते हैं इकतीस फेबररी में ट्वेंटी एट डेज़ लीप ईयर में ट्वेंटी नाइन डेज होते हैं बट मैं नहीं चाहता लीप ईयर को हम लोग अभी डिस्कस करें जब एग्जाम्पल करेंगे तो मैं आपको लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट समझा दूंगा मार्च में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं थर्टी वन अब टोटल नंबर ऑफ डेज हमको कैलकुलेट करना है चार प्लस इकतीस प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन नाइनटी फोर डेज टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आ रहा है नाइन्टी फोर डेज ठीक है मैं जानता हूं थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल और करते हैं कंफ्यूजन दूर हो जाएगा देखिए एग्जाम्पल है नया एग्जाम्पल नया एग्जाम्पल में फिर से क्या बोला मिस्टर राज हु इज एन इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फिर से आ रहा है 20 सितंबर 2019 को आया हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर नाइनटीन ट्वेंटीमेंट इवेंटी ट्वेंटी वन सेम तरीका करने का ये याद रखना हम लोग से पहले वर्किंग नोट पक्का कर रहे हैं ताकि नंबर ऑफ डेज के ऊपर ही पूरा सब कुछ डिपेंडेंट अगर वो गलत होगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे नाइनटीन यहाँ क्या लिखेंगे ट्वेंटी कब आया बीस सेप्टेम्बर को आया तो सेप्टेम्बर कहीं पर यहाँ पर ले लेते हैं ट्वेंटी नाइन सेप्टेंबर मतलब नाइन होता है आया इसका मतलब इससे पहले इंडिया में नहीं था इसके बाद इंडिया में था यहाँ पर वो इंडिया में था तो सितंबर सितंबर के बाद क्या आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेबररी मार्च मतलब सितंबर से लेकर मार्च तक वो इंडिया में था उसके बाद का डेटा का हम लोगों को कोई लेना देना नहीं बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर थर्टी मार्च को खत्म हो जाता है तो खाली मार्च में रुक जाना है अब कैलकुलेशन करना है देखो दूसरा तरीका क्या है 20, 21, 22, 23, 24 ऐसा काउंटिंग थोड़ी कर सकते हैं हम लोग तो हम लोग क्या करते हैं सितंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं सितंबर में टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं 30 माइनस कब आया बीस को आया लेकिन हम लोग बीस नहीं एक दिन कम का कितना नाइनटीन तो हम लोग को एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा एग्जैक्ट ट्वेंटी ले लेता ना यहाँ पर ट्वेंटी ले लेता तो ट्वेंटी माइनस हो जाता ट्वेंटी को भी काउंट करना है इसलिए हम लोग एक दिन आगे बढ़ जाते हैं बीस को आया तो हम लोग नाइन्टीन माइनस कर देते ठीक है तो जरा कैलकुलेट करके देखते कितना डेज है थर्टी माइनस नाइनटीन कितना आ रहा है इलेवन ग्यारह दिन ठीक है चेक करना है चक्कर लेते देखो ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन में तीस दिन होते बराबर तो कितना डेज हुआ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह आ गया ना आंसर तो पूरा काउंटिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना इसलिए छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं ताकि जल्दी आंसर आ जाए ठीक है अक्टूबर में टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितने होते हैं थर्टी वन नवंबर में कितने होते हैं थर्टी दिसंबर में कितने होते हैं थर्टी वन जनवरी में कितने होते हैं थर्टी वन में कितने होते हैं ट्वेंटी एट लीपियर का कॉन्सेप्ट है लेकिन वो फिलहाल साइड में रखते हैं मार्च में कितने डेज होते हैं टोटल थर्टी वन बस अब क्या करेंगे नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करेंगे ग्यारह प्लस इकतीस प्लस तीस प्लस इकतीस प्लस इकतीस प्लस अट्ठाईस प्लस इकतीस वन नाइन्टी थ्री डेज टोटल नंबर ऑफ़ डेज कितना आ रहा है वन नाइन्टी थ्री डेज उसके बाद पता है ना इसको क्या करना है इसको हम लोग वो बेसिक कंडीशन जो मैंने आपको पहले सिखाया था वहाँ जाके डालना है सब्सटीट्यूट करना है बट वो सब हम लोग करेंगे जब फुल फ्लेज एक सम करेंगे तब ठीक है फिलहाल मैं आपको सिर्फ वर्किंग नोट के साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि तुम इतना को ये पता चल नंबर ऑफ़ डेज़ कैसे कैलकुलेट करना है पूरा सब कुछ डिपेंडेंट है नंबर ऑफ़ डेज़ के ऊपर नंबर ऑफ डेज गलत आया पूरा सम गलत हो जाएगा ठीक है ओके okay. अब देखो हमने दो एग्जाम्पल किए पहले दो एग्जाम्पल किए थे लीव्स का अभी दो एग्जाम्पल कराया कम्स का बट एग्जाम में ऐसे सिंपल सम नहीं आएंगे एक ही इंसान पहले तो इंडिया छोड़ के जाएगा और बाद में वही वापस आ जाएगा अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे वो इंपॉर्टेंट है ये तो एकदम सिंपल था इसमें कोई टेंशन नहीं है अब देखो जो नया आया एग्जाम्पल इसमें क्या हो रहा है अब थोड़ा डिफिकल्टी का पार्ट बढ़ेगा मिस्टर रमेश हु इज एन इंडियन सिटीजन लीव इंडिया पहले चला गया 25 मई को इंडिया छोड़ के चला गया अब आगे उसी एग्जाम्पल में क्या बोला है एंड कम्स बैक वापस भी आया इंडिया को कब आया फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर पच्चीस मई को इंडिया छोड़ के गया उसका काम होगा कुछ बाहर करके रिटर्न आ गया फिफ्टी और दिसंबर को उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि अभी इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकाल के बताओ 1920 के लिए और असेसमेंट दिया 2021 के लिए ये मेन है एग्जाम में ऐसे समाएंगे अब इसका हम लोग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डेज कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान से देख लो ठीक है एकदम इतना सिंपल नहीं आएगा कि खाली लीवज हुआ या खाली कमज हुआ नहीं थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे फर्स्ट अप्रैल नाइनटीन थर्टी मार्च दो साल चेंज अब देखो लीव्ज हुआ कभी गया पच्चीस में मतलब ट्वेंटी फाइव लीव्स हो गया तो मैं एरो ऐसा बनाता हूं मतलब वो इधर इंडिया में था फिर दिसंबर को आया कभी दिसंबर को आया पंद्रह दिसंबर तो फिफ्टीन ट्वेल्थ लिख देता हूं इसका मतलब ये जो बीच का पीरियड है ना ये जो बीच का टाइम है ये जो बीच का टाइम है यहां पर वो इंडिया में था ही नहीं यहां पर वो नहीं था तो अगर वो यहां पर नहीं था तो यहां के डेज लेंगे क्या नहीं तो डेज कहां के लेने अभी वो वापस आ गया तो यहां वो इंडिया में था यहाँ पर इंडिया में था यहाँ पर इंडिया में था अब डेज देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं एरोस तो बना दिया तो ईजी है अब देखो अप्रैल में इंडिया में था हाँ मे में इंडिया में था हाँ मे के बाद डायरेक्टली जून जुलाई आता है लेकिन वो था ही नहीं मे को चला गया ना मे की उसकी गाड़ी चली गई मई के बाद डायरेक्टली वो आया दिसंबर में तो मई के बाद डायरेक्टली क्या लेंगे लें हम लोग दिसंबर फिर जैन फिर फेब फिर मार्च अब ये मत पूछना सर मार्च का दिसंबर के साथ बीच के महीने क्या आ गया बीच के महीने में वो था ही नहीं इंडिया में देखो मई के बाद क्या आता है जून आता है जून के बाद जुलाई जुलाई के बाद अगस्त अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर नवंबर इन सारे महीनों में वो इंडिया में था ही नहीं तो ये डेज हमको लेना नहीं है हम लोग कौन सा डेज लेते हैं हमको वो नंबर ऑफ़ डेज कैलकुलेट करना है जब वो इंडिया में था तो वो इंडिया में था ये वाले पोर्शन में और इंडिया में था वो ये वाले पोर्शन में तो जब वो इंडिया में लेता ना खाली वही नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है अब सवाल ये उठता है कि कैलकुलेशन करें तो करें कैसे अप्रैल में कितने दिन होते हैं तीस में, में कितने दिन होते हैं होते तो इकतीस है लेकिन वो चला गया पच्चीस को तो अपना लीव्स का रूल क्या है जो भी डेज देते ना जिस दिन लीव करता है सीधा लिख देने का लीव्स में टेंशन नहीं है लीव्स एकदम अच्छा जैसे ही बोला पंद्रह तारीख को गया तो पंद्रह लिख दो बीस को गया तो बीस लिख दो इसमें कोई टेंशन नहीं है प्रॉब्लम कम आती है जब लीव्स के बजाय कम्स दियो जैसे पंद्रह दिसंबर को आया तो अभी हम लोग क्या करेंगे पंद्रह दिसंबर को आया तो यहाँ पर वो फार्मूला है फार्मूला क्या आएगा थर्टी वन डेज होते हैं माइनस पंद्रह दिया हम लोग पंद्रह नहीं कितना करेंगे चौदह एक दिन कम तो हम लोग को नंबर ऑफ डेज है ना इजीली मिल जाएगा तो जरा सॉल्व करके देखते कितना आता है थर्टी वन थर्टी वन माइनस फोर्टीन तो आंसर कितना आ रहा है सेवनटीन तो मैं लिख देता हूँ सेवनटीन ठीक है अच्छा इसमें कितने डेज होते हैं जनवरी में इकतीस तो थर्टी लिख देते हैं फेबररी में कितने होते हैं ट्वेंटी मार्च में कितने होते हैं थर्टी बस अभी क्या करना है नंबर ऑफ़ डेज को क्या करेंगे कैलकुलेट कर देंगे ठीक है सिंपल है तो चलिए कैलकुलेट करते हैं तो डेज आ रहे हैं थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस सेवेंटीन प्लस थर्टी वन प्लस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी वन तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो रहे हैं 162 सिक्सटी टू वन सिक्सटी टू डेज हो रहे हैं तो ये था कैलकुलेशन कम्स और लीव्स अगर दोनों साथ में दिया रहेगा तो क्या कर रहा है ठीक है देखो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है जैसे मैंने जो एग्जाम्पल लिया ना उस एग्जाम्पल में क्या बोला था कि पहले लीव्स हो रहा है बाद में कम्स क्या ऐसा नहीं हो सकता पहले कम्स हो और बाद में लीव्स हो सकता है अब ये लोग है ना ट्रिकी क्या कर सकते हैं ट्रिकी पार्ट यही कर सकते हैं कि बार बार लीव्स कम्स लीव्स ऐसा चेंज करते रहेंगे हम लोग क्या करेंगे हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया पार्ट होगा हो सकता है कभी लीव्स एंड कम्स हो हो सकता है कभी कम्स एंड लीव्स हो ऐसा भी हो सकता है ना कि पहले कोई गया एंड आया तो वैसे ही हो सकता है पहले कोई आया एंड देन फिर वो बाहर गया हमारी कंट्री से तो पूरा जो डिफ़िकल्टी का लेवल है ना वो नंबर ऑफ़ डेज़ को कैलकुलेट करने के ऊपर ही है बाकी पूरा पार्ट सिंपल है सोल्यूशन में कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है ठीक है तो चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो